में हम करेंगे इंस्ट्रीम ऐड। यूट्यूब पे इंस्ट्रीम ऐड कैसे लगाई जाती हैं इसके बारे में करेंगे। पहले हमने स्किपेबल एड्स के बारे में किया था, अब हम करेंगे इंस्ट्रीम ऐड। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम पे जाकर पहले की तरह गूगल एड्स को ओपन करना है। ठीक है, देन आपको गेट मोर कस्टमर विद इजी ऑनलाइन पे क्लिक करना है। देन आपको सिग्नेचर इन करना है, साइन इन करना है, सॉरी सिग्नेचर नहीं, साइन इन। देन आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही पेज आपके सामने ओपन होगा, देन आपको सबसे पहले कैंपेनिंग पे ये आ रखा है, आपको प्लस पे क्लिक करना है। ठीक है, न्यू कैंपेनिंग पे क्लिक करना है। देन आपको पहले की तरह ही क्रिएट अ कैंपेनिंग वीडियो एंड स्टार्टिंग में क्या है, कस्टम वीडियो कैंपेनिंग पे क्लिक करना है। देन कंटिन्यू करना है। ठीक है, आपको ये रहने देना है। पहले आपको ये बता चुका हूँ, आपको जैसे यहाँ से मैक्सिमम में ये क्या कहते हैं, आप कर लोगे टारगेट CPM। ठीक है, यहाँ पे आप बजट कर लोगे अपना। ठीक है, यहाँ से ठीक है, आप अपना बजट कर लोगे। आपको डेली बजट करना है, जैसे डेली बजट हो जाएगा। ठीक है, देन ये नेटवर्क लैंग्वेज आपको पहले बता दी थी, लोकेशन ये आपको ऐसे रहने देनी है। ठीक है, इसके बाद ये सब कुछ यहीं से आपको ये कीवर्ड आ गया, ये टॉपिक आ गया, ये बिडिंग यहाँ से। ठीक है, ये सब कुछ आपको पहले ही पिछले चैप्टर में बता दिया है। ठीक है, देन आपको ठीक है ऑडियंस पे जाना है। ऑडियंस पे जाने के बाद आपको ब्राउज पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे जैसे हु दे आर, आपके जो भी आपकी एड है उसमें कोई भी पेरेंटल स्टेटस है, मैरिज मैटेरियल स्टेटस है, एजुकेशन है, होम ओनरशिप स्टेटस है, कुछ भी आप यहाँ से ले सकते हो उसको। अगर नहीं है तो ज़रूरी भी नहीं है, जैसे बट देयर इंटरेस्टेड एंड दे हैव इट हियर, एफिनिटी आ गया, कस्टम एफिनिटी ऑडियंस। ठीक है, ये एफिनिटी ऑडियंस कर लेंगे, ये हमने पहले भी की हुई है। बट दे इंटरेस्टेड या गया बट दे आर एक्चुअली रिसर्चिंग और प्लानिंग, ये सब यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब हम बैक आते हैं। ठीक है, ये आ गई, हमने उस दिन ऐड लगाई थी जो। ठीक है, ये आ गई वो ऐड, एड्स ग्रुप में जाकर ठीक है ये ऐड आ गई। यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ आपको। सबसे पहले इस पर क्लिक करोगे आप, देन एडिट पे क्लिक, देन कॉपी पे क्लिक। ठीक है, ये करने के बाद आपको पेस्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से देखो ये आ गया कैंपेनिंग, ये सब कुछ यहाँ से कैंपेनिंग की कोई आईडी देना चाहते हो जैसे। सब्सक्राइबर, ठीक है, ऐसे आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे हमारी बनी है मोटिवेशनल वीडियो की। देन आपको डन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पेस्ट पे क्लिक करोगे, आपकी ये ऐड हो रही है। डन, ये आगे जैसे देखो आपके यहाँ मोटिवेशनल हैश टू, आप इसको क्या करोगे, एडिट करोगे और आप इसको अभी बनाओगे। सबसे पहले आप बनाओगे इसे एफिनिटी। ठीक है, अंडरस्कोर ठीक है, इसके बाद आप लिख दोगे यहाँ पे एफिनिटी। किधर गया,
ये आ गया ना आपके सामने। पेस्ट करने के बाद आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, अंडर कोर के बाद आप डालोगे एफिनिटी। ठीक है, सेव कर दोगे इसे, ये हो गया आपकी एफिनिटी। इसके बाद आप आओगे कीवर्ड्स पे, जैसे हमने जो पहले यार लगाई थी देखो कीवर्ड्स पे लगाई थी, इसको क्या करोगे यहाँ से उस पर क्लिक करके, एडिट पे क्लिक करके रिमूव, क्योंकि हमें अभी हमें कीवर्ड्स पे नहीं लगानी, हमने कीवर्ड्स पे पहले यार लगा ली थी। ये हो गया हमारे कीवर्ड, ठीक है। देन हम आएंगे ऑडियंस पे, ऑडियंस पे आने के बाद हम करेंगे प्लस ऑडियंस, ऐड कौन ऑडियंस पे, जैसे ऑडियंस पे क्लिक कर लिया, ऑडियंस पे आकर ऑडियंस मैनेजर पे क्लिक करना है। ऑडियंस मैनेजर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने आएगा सेटअप एंड ऑडियंस सोर्स। यहाँ से आप कर लोगे ऑडियंस का सोर्स आपको किस पे, गूगल एड्स टैग, लिंक्स ऑफ गूगल एनालिटिक्स, ठीक है, या आ गया आपका लिंक टू गूगल प्ले पे कर सकते हो, ठीक है। देन आप लिंक यू टू यूट्यूब भी कर सकते हो, ठीक है। ये आ गई, ठीक है, आपके सामने ये सारा कुछ। इसके बाद ऑडियंस के बाद, ठीक है, ऑडियंस का नेम क्या रखोगे आप, मोटिवेशनल वीडियो, ठीक है। ठीक है, यहाँ से आप ऑडियंस के एक्सक्लूसिव भी कर सकते हो। देन आपको आना है डेमोग्राफिक्स पे। डेमोग्राफी आपको चेंज करने की अगर जरूरत नहीं, अगर आपने पहले एज लिमिट सेट की है, आप यहाँ से एज लिमिट सेट कर सकते हो कि आपको कितने से कितने एज तक का क्या भी कैसे प्रोसीजर चाहिए, यहाँ पे वो सब आप सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको बताइए जेंडर, जेंडर आप चेंज कर सकते हो, जेंडर को आप चेंज कर सकते हो, अगर आपको लगता है जेंडर आपके उसमें नहीं आ रहा है, देन फीमेल मेल, ठीक है। हमने जेंडर को जैसे पहले सेट किया, उसके अलावा पहले हाउस होल्ड कम्युनिकेशन, ये सब कुछ आ गया, ठीक है। देन आ जाता है प्लेसमेंट्स, ठीक है, ये आ गया प्लेसमेंट्स, वेयर योर एड शो, ठीक है। इसमें हम प्लेसमेंट में कह सकते हैं कि हमारी जो एड है वो हमें कहाँ पे शो हो, ठीक है ना, कहाँ पे परफॉर्मेंस हो, कन्वर्जन जो भी है यहाँ से हो जाएगा सारा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप ऐड ग्रुप पे आ जाओगे, ठीक है, जैसे आपकी वीडियो थी, आप यहाँ से कस्टम एफिनिटी भी लगा सकते हो, आपके ऊपर है कि आप कौन सी लगाने चाहते हो, जैसे स्किपेबल वाली ऐड थी, ये सब कुछ, ठीक है। यहाँ से आप ये भी कर दोगे,
एडिट मो। ये आपकी स्क्रीन पे भी लाइट लगी हुई थी, ये होगी ये भी। ठीक है, आप वहां से जाकर ऐड सेट करके यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपको जो आपकी ऐड है वो कैसे लगी हुई है। स्क्रिप्टेबल ऐड लगी हुई है, इंस्ट्रीम ऐड लगी है। इंस्ट्रीम ऐड वो होती है, आपको पहले बताया था, जो आपके वीडियोस के अंदर आती है, जब आप वीडियो को ओपन करते हो, जो 15 सेकंड की जो ऐड आती है, जो 5 सेकंड के बाद स्क्रिप्टेबल होती है, वो ऐड होती है। इंस्ट्रीम ऐड जो वो इंस्ट्रीम ऐड उसे बोलते हैं जो वीडियो के अंदर आती है। स्किपेबल ऐड होती है जो स्किप कर सकते हैं हम, ये जो होती है इंस्ट्रीम ऐड वो वीडियो के अंदर आती है। ठीक है, आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है कि इंस्ट्रीम ऐड में आपको, जैसे वहाँ से मैंने स्किपेबल ऐड के बारे में बताया था, वैसे ही इंस्ट्रीम ऐड है, वहाँ से चेंज करके इंस्ट्रीम ऐड लगा सकते हो। ठीक है, और बजट कम से कम, स्टार्टिंग में कम से कम जितना बजट आप लगा सकते हो उतना बजट लगाओ, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको जो बजट है वो आपको, अगर जितना आप कम लगाओगे उससे, जितनी ऐड लगाओगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतनी अच्छी आप ऐड लगा सकते हो। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि स्किपेबल ऐड कौन सी होती है, इंस्ट्रीम ऐड कौन सी होती है, बम्पर ऐड कौन सी होती है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो वीडियो को ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब अगर आपको इंस्ट्रीम ऐड का नहीं पता लगा होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में। ठीक है, थैंक यू सो मच।